हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का ट्रायंगल चैप्टर का हेरांस फार्मूला पढ़ेंगे। हेरांस फार्मूला एक ऐसे ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने के लिए होता है जिसकी सारी साइड डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हियर वी सी दैट ए साइड ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, साइड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड साइड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हेरांस फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये हेरांस फार्मूला है एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का, वेयर जहां की s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वेयर जहां की a b एंड सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी सी डी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। हेरांस फार्मूला आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है जिसकी साइड आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल a इक्वल टू s स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर s क्या है? सेमी पेरीमीटर है। s की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां की a, b और c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, अब टू अंडरस्टैंड हेरांस फार्मूला वी टेक एन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm. Here is a triangle ABC whose first side is 3 cm, second side is 4 cm and third side is 5 cm. ठीक है, इसका एरिया निकालना है हेरान फार्मूले का यूज करके। तो सोल्यूशन में हियर यहां पे a इक्वल टू फर्स्ट साइड 3 cm, b इक्वल टू सेकेंड साइड 4 cm एंड c इक्वल टू थर्ड साइड 5 cm। हमें तीनों त्रिभुज की ट्रायंगल की साइड्स पता है, तो हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की वैल्यू पुट करेंगे 3 cm, b की वैल्यू पुट करेंगे 4 cm प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे 5 cm अपॉन 2 इक्वल टू 4, 3, 7, 7, 5, 12 अपॉन 2, 2, 6, 12 इक्वल टू 6। यस की वैल्यू क्या आ गई हमारी? यस की वैल्यू आ गई 6 cm। ओके, अब हम आपका हेरांस फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। क्या फॉर्मूला लिख लिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? 6 cm। s की वैल्यू 6 cm, s की जगह 6 cm। ओके, s माइनस a इंटू s की वैल्यू क्या निकाले हैं? 6 cm माइनस a, a की वैल्यू क्या है? 3 cm। s माइनस b, s की वैल्यू 6 cm, b की वैल्यू क्या है? 4 cm एंड s की वैल्यू 6 cm एंड c की वैल्यू 5 cm।
ओके अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 4 2 इंटू 6 माइनस 5 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट में 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 3 इज हियर 2 वन जा 2 अब हम पेयर बना लेंगे इसका 2 इंटू 2 एक साथ लिख लिया 3 इंटू 3 एक साथ लिख लिया ठीक है पेयर बना लिया आपने 2 टू जा सॉरी 2 का पेयर 3 का पेयर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 6 सेंटीमीटर ओके okay?